Hello dear student, I am Jimjim from Lakhan Group, the smart choice for your future. Now today we are going to study chapter Reflection of Light of Eastern Book, class 10, physics, page number 199, question number 24. Let's see the question number 24. A concave mirror produces three times enlarged virtual image of an object placed at 10 cm in front of it. कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है थ्री टाइम्स इन लार्ज वर्चुअल इमेज मींस मैग्निफिकेशन यहाँ पे हमें दिया गया है कि वो क्या है थ्री टाइम्स इन लार्ज है और वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से ठीक है तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमें थ्री टाइम्स दिया गया है मीन्स थ्री है हमारा मैग्निफिकेशन अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये यू जो हमारा होता है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे उसके बाद हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है क्या फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स यहाँ तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं पता है फोकल लेंथ भी नहीं पता है सिर्फ हमें दो चीज़ दी गई है एक तो हमारा हो गया कि एक तो हमें ये बताया गया कि वर्चुअल इमेज है दूसरा मैग्निफिकेशन दिया गया है और तीसरा हमारा 10 सेंटीमीटर है वो भी कॉनकेव मिरर से तो गिवन क्या है उसे नोट कर लेते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है यू वो कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर ये तो आपको पता चल गया होगा कि माइनस क्यों लग रहा है क्योंकि साइन ऑफ कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग ये कॉनकेव मिरर है हमारा और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर के सामने प्लेस्ड है इस वजह से माइनस लग रहा है ये हो गया -10 सेंटीमीटर उसके बाद हमें मैग्निफिकेशन दे रहा है जो कि है 3 तो मैग्निफिकेशन हमारा जब 3 सेंटीमीटर दे रहा है मीन्स 3 दे रहा है 3 टाइम्स एनलार्ज है 3 सेंटीमीटर तो हमारा यहाँ पे हमें वर्चुअल इमेज है इस वजह से हम माइनस नहीं लगाएंगे अगर रियल इमेज होता तो मैग्निफिकेशन में माइनस लगाते यहाँ पे वर्चुअल इमेज है इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे उसके बाद हमारा प्लेस जो हो रहा है 10 सेंटीमीटर ये तो हमने लिख ही लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है तो सॉल्यूशन हमारा एम इक्वल्स टू माइनस बी बाई यू ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे आपको क्लियर होगा कि ये हमारा एक ये बी फॉर्मूला होता है तो एम दिया हुआ है 3 माइनस बी बाई यू यू की वैल्यू है 10 क्या है यू की वैल्यू 10 है तब हम क्या करेंगे ये हमारा यहाँ पे माइनस माइनस मीन्स कट गया तो हमारा क्या आ गया प्लस हो गया अब ये जो हमारा हमारा ये 10 है वो इधर चला जाएगा मीन्स कि वो क्या हो जाएगा इंटू 10 इक्वल्स टू वी मीन्स कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई 3 × 10 इक्वल्स टू वी मीन्स कि आ गई यहाँ पे वैल्यू 30 क्या आ गई 30 यहाँ पे आप यूनिट लिखिएगा सेंटीमीटर वी की वैल्यू क्या आ गई माई 30 सेंटीमीटर अब यहाँ पे V पता चल गया U पता है हम लोगों को कि U कितना दिया गया है -10 सेंटीमीटर अब हम फोकस फाइंड करेंगे फोकल लेंथ फाइंड करेंगे कैसे करेंगे मिरर का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिरर का फॉर्मूला क्या है 1/F = 1/V + 1/U तो मिरर का फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/F = 1/V + 1/U 1/F पता नहीं है इसे ऐसे ही रहने देंगे 1/V 30 है तो यहाँ पे 30 रहने देंगे 1/U कितना है -10 है जिसे हम क्या करेंगे ऊपर लिख लेंगे मीन्स कि हमारा हो जाएगा 1/F = 1/30 यहाँ पे प्लस माइनस 1/10 एलसीएम लेंगे 31 माइनस यहाँ पे क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी 3 से करेंगे तभी तो हमारा 30 आएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/F = -2/3 जिसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 × 1 = 2 2 15 ठीक है तो यहाँ पे अब हमारा ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ की वैल्यू आ जाएगी -15 एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी -15 सेंटीमीटर ये हमारा फोकस आ गया मीन्स फोकल लेंथ आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है
पता है एफ इक्वल्स टू टू सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू टू इंटू माइनस 15, जो कि यहाँ पे आ जाएगा एफ इक्वल्स टू माइनस 30 सेंटीमीटर। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब हमें थोड़ा क्लियर हो रहा है कि हाँ हमारी इमेज कहाँ बनी होगी, कहाँ हमारा फोकस है, कहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहाँ हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अभी तक तो हमें क्लियर नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि हमें सिर्फ 10 सेंटीमीटर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई थी, हमें पता नहीं था कैसे हम ये डायग्राम बनाए क्या करें। लेकिन अब हमें सब कुछ क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारा ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये अपोजिट हो गया, यहाँ पे C इक्वल्स टू 2F हो जाएगा। तो F की वैल्यू 15 थी और ये यहाँ पे 2 इंटू माइनस 15, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 30, सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू माइनस 30 आ गई। ये आ गया C की वैल्यू माइनस 30 सेंटीमीटर आ गई, F माइनस 15 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे U दिया हुआ था, M दिया है और ये सब हमें मिल गया है। तो अब हम डायग्राम बना लेते हैं, एक बार हम डायग्राम बना लेंगे तो हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। V हम लिख लेते हैं, V क्या है हमारा 30 है, V इक्वल्स टू 30, तभी तो हमें क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायग्राम अपना बनाते हैं। डायग्राम हमारा कैसे रहेगा, कॉनकेव मिरर है, फोकस हमें पता चल गया कितना है हमारा फोकस, हमारा यहाँ पे 15 माइनस 15, हम यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, फोकल लेंथ हमारी 15 सेंटीमीटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हमारा ये पूरा 30 हो गया, तो इसे हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ हो गई। अब हमारा ऑब्जेक्ट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 कहाँ पे होगा हमारा, ये पोल हो गया हमारा, तो फोकस और पोल के बीच में ही तो होगा, कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में। मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे, ये हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये यहाँ से पास होगा, रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगा, तो कहाँ से जाएगा, मीन्स की पैरेलल है ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी ये रिफ्लेक्ट करने के बाद, फोकस से, सेम एज इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे हम यहाँ से, तो ये हमारा किधर जाएगा, मीन्स थोड़ा ही हमारा इधर से पास होना चाहिए ऑब्जेक्ट के पास से, तो उसको आप जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपका एकदम क्लियर बनेगा कि ये यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास हो रहा है तो ये कुछ इस टाइप में रहेगा, जो कि हमारा इधर तो मीट करने वाला है नहीं, हमें लग नहीं रहा है कि इधर ये मीट करेगा, तो इसलिए हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों रे ऑफ लाइट को इंटरसेक्ट करेंगे, जिससे हमारी वहाँ पे इमेजिनरी इमेज बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के लिए हम डॉटेड लाइन शो करेंगे, तो ये हमारा थोड़ा इधर हो जाएगा और ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, और ये कहीं तो जाके मिलेगी, ये यहाँ पे अब मिल रही है, मीन्स कि यहाँ पे ये हमारा इमेज बन गया। तो इमेज की डिस्टेंस तो हमारी ज़्यादा होगी ही, 30 होगी, क्योंकि ये दूर पे बन रहा है ना, और ये क्या होगा वर्चुअल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये डायग्राम अब हमें क्लियर आया जब हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम पहले डायग्राम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें मीन्स की क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो जाता है, किसी में हमें पहले क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, मीन्स की जो जैसे दिया हुआ है उसे हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा डायग्राम क्लियर होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो, थैंक फॉर द क्लास।